नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीव प्रेमी बाबूलाल जागीर जसरासर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है रोड टू टोकी द्वारा। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी मान्यता है और खास चीजें हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। ये जम्बेश्वर भगवान का पवित्र स्थान है। ये हमारे साथ हैं भाई मनोज, इंदर, हरिकिशन जी, हंसराज जी और गणपत जी और नरसी भगत और सीताराम जी। आज हम यहाँ पर आए हैं, तो अभी आप देखते रहिए, हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहें कि यहाँ पर जम्बेश्वर भगवान की क्या क्या खास चीज़ें हैं और क्या क्या यहाँ की मान्यता है, वो हम सब आपको नज़दीकी से दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और हमारे यूट्यूब चैनल जीव प्रेमी बाबूलाल जांगिर जसरासर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद दोस्तों, आप कंटिन्यू बने रहे वीडियो में। यह है टोकी द्वारा का पवित्र मंदिर जम्बेश्वर भगवान का। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं पूरा मंदिर। एक बार सभी जोर से जयकारा लगा दें, बोलिए जम्बेश्वर भगवान की जय। जो ये आपको वृक्ष दिख रहा है कंकड़ी का, बता रहे हैं ऐसी मान्यता है यहाँ मंदिर की कि जो यहाँ से गुजरता है जम्बेश्वर भगवान, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं और मैं भी यहाँ से निकलता हूँ। तो दोस्तों, आप जो ये नज़ारा देख रहे हो, ये रोटू ग्राम का है और जितने भी ये हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं, ये सारे पेड़ जम्बेश्वर भगवान के एक रात रात में लगाए हुए पेड़ हैं। ऐसा वरदान था यहाँ पर। और इन गांव वालों को गुरु महाराज ने यह भी हिदायत दी थी कि इन पेड़ों को कभी काटना मत। तो ये आप देख सकते हो खेजड़ी के पेड़ है, कितनी तादाद में है यहाँ पर। और एक खास यहाँ की मान्यता और है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। एक यहाँ की जो खास मान्यता है कि रोटू गांव के अंदर एक सैन्य नामक भूत यहाँ पर विराजमान रहता था और वो यहाँ गांव वालों को परेशान करता था। तो जम्बेश्वर भगवान है जिन्होंने इस भूत को यहाँ से खींच कर घसीटते हुए यहाँ से नीचे लेके गए थे। तो आज भी जो ये है मौजूद पड़ा है और यहाँ पर एक भी घास फूस कचरा है जो नहीं उगता है। तो हम आपको जूम करके नज़दीकी से दिखाएंगे कि आप अपनी आंखों से देख सकते हो, इतनी बरसात है। ये साइड में मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि बताएं, हरियाली है सारी जगह पर, लेकिन जो ये एक रास्ता बना है उस भूत को घसीट कर, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगा है। हम आपको जूम करके दिखाएंगे, ये बहुत ही बड़ी मान्यता है। जूम कर बता दें, ये आप देख सकते हो यहाँ पर एक भी घास फूस नहीं उगा हुआ है जो यहाँ नीचे तक लेके गए थे। ऐसी मान्यता है यहाँ की, जो हमारे पूर्वज है वो बता रहे हैं कि एक जो भूत था वो गांव वालों को परेशान करता था और भगवान ने यहाँ से उसका सहार किया था। ये टोकी द्वारा गुरु जम्बेश्वर भगवान का मंदिर बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया मंदिर है, एकदम पूरा दोरे के ऊपर। हम भी जाते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। ये यहाँ का हवन कुंड जहाँ पर अमावस और पूर्णिमा को ज्योत की जाती है। ये हमारे साथीगण यहाँ पर विश्राम करते हुए, ये आप देख सकते हो कंकड़ी का वृक्ष और एक वो इसी पे गाना भी बनाया हुआ है
कि हरी हरी कंकड़ी दोरे माथे दाम है आसन लगायो गुरु जम्बेश्वर भगवान। अंकल जी कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पे बैठे? आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये हमारे अंकल जी हरि किशन जी और भाई मुकेश। हवा एकदम ठंडी चल रही है यहाँ पर, छिली छिली चल रही है हवा, छिली छिली चल रही है। ये आप यहाँ का नजारा देख ही रहे हो, ये ऐसा अद्भुत नजारा बहुत ही कम देखने को मिलता है। रोड के बीचों बीच में पेड़, ये विष्णुई समाज का पवित्र मंदिर है और विष्णुई समाज ने जितना पर्यावरण और प्रकृति बचाने के लिए जितना योगदान दिया है उतना शायद ही कोई दे सके। तो यहाँ पर आप इसका जितना जागता उदाहरण देख सकते हो, ये रोड है, इसके बीचों बीच में पेड़ लगे हैं। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जिस टाइम ग्लोबल वार्मिंग का कह कह के लोगों को मालूम नहीं था, उस टाइम विष्णुई समाज की अमृता देवी विष्णुई ने अपने साथ में 363 लोगों को खेजड़ी के पेड़ के लिए शहीद हो गए थे वो। तो इसका आप जीता जागता उदाहरण देख ही रहे हो कि पेड़ों की कितनी महत्व है और पेड़ों को कैसे बचाना चाहिए। एक रास्ता बनाने के लिए पेड़ों को काटना जरूरी नहीं है, ये आप ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी पेड़ों को बचाया जा सकता है। तो आज का वीडियो बस इतने के समय के लिए ही। आप हमारे YouTube चैनल जीव प्रेमी बाबूलाल जांगिड़ जसरासर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आगे के ऐसे अच्छे और शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।